तो मॉर्निंग के बज गए हैं 4 और हम दर्शन के लिए निकल गए हैं। लिंग का व्यू, नहा धो के प्रभु के चरणों में नमन करने के लिए रेडी हो गए। लिंगा आया कि नहीं? हाँ ना यार, अभी ठंडा पानी आ रहा है। पानी से नहाया, ठंडा पानी से, बर्फ का पानी से। इधर ऐसा ही मिलेगा पानी भैया, बर्फ का पानी मिलेगा। मौसम भी तो बहुत ठंडा है। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हमारे, और नीचे आए हैं पहाड़ियाँ दिख रही है पत्थरों की। 6 बजे रात की प्रदक्षिणा कर रहे हैं हमारे दोस्त। अलकनंदा के किनारे पे है ये मंदिर, देखो अलकनंदा अच्छी लग रही है। और पहाड़ियाँ है, पहाड़ियों को बर्फ भी है, बर्फ है बहुत। इधर है गर्म पानी का कुंड, अलकनंदा के बीच बाजू में ही गर्म पानी के जरे तप्त कुंड, फिर धुआं निकल रहा है। और इधर बद्रीनाथ का विशाल मंदिर। हमारे फ्रेंड लगे हैं शॉपिंग में। फाइनली हम दर्शन करके लौट रहे हैं वापस रूम पे, और फिर निकलेंगे माना गांव के लिए। और बताओ बापो, पहाड़ कैसे है? पहाड़ बहुत बढ़िया बढ़िया है भाई, अपने इधर तो कुछ नहीं। इधर के पहाड़ के देखो, पता चलेगा क्या पहाड़ क्या है। के देखो यूके, उत्तराखंड, उत्तराखंड में हम घूम रहे हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करके आ रहे हैं। सुबह 3 बजे उठे थे, फिर मंदिर गए, वहाँ दर्शन करके शॉपिंग वॉपिंग करके प्रसाद वसाद लिया हमने, लेके आ गए। अभी चलेंगे माना गांव के लिए। फ्रेंड बैग लेके रेडी हो चुके हैं, अभी हम जाएंगे माना गांव। माना गांव घूमने जाएंगे, इंडिया का फर्स्ट विलेज वो देखने जाएंगे। तो ड्राइवर अभी तक नहीं आया, वो आते हम चलेंगे इधर से और आपको दिखाते हैं। दिखाते हैं आपको, अभी हम गाड़ी में आपको दिखाते हैं बाहर जाके, अभी पहुंचने ही वाले हैं गाँव में, एंटर कर दिया हमने। इंडिया फर्स्ट विलेज देखते हैं, चलो इंडिया फर्स्ट विलेज माना गाँव। जो चीज़ जो स्थल हम देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे। और माना गाँव इधर से स्टार्ट हो जाता है, आपको बताया पहले ही, और क्या पहाड़ी है, और सामने ही आर्मी बेस कैंप है। सब खरीद सकते हो,
मोमोज खा सकते हो हमारा गाँव में इंडिया क्लास, चाय पी सकते हो इंडिया क्लास, टी सेंटर टोपी वोपी सब है। और इधर दिखाओ, इधर आओ, आपको दिखाता है अलकनंदा बह रही है। और वो क्या नज़ारे हैं हिमाचल के ऊँचे ऊँचे माउंटेन, हिमालय माउंटेन तो चलिए और घूमते हैं हमारा आपको भी दिखाते हैं। आपके साथ छू गया हूँ लाइव माना गाँव से। और यहाँ से हमने पालक जी परचेज की है इंडिया स्वास्थ्य विलेज से, और हम पालक जी खा रहे हैं इंडिया स्वास्थ्य विलेज में। इधर खाने का मजा ही कुछ और है। कैमरा मैन जयमीन चौधरी के साथ प्रज्ञेश चौधरी हमारे साथ जुड़े हैं। भीखा भाई भी पालक जी खा रहे हैं और इधर सबको पाल लिए हम खिलाएंगे। कहाँ कहाँ गए? इधर हम अभी माना में आए बद्रीनाथ घूम के। वसुधारा वसुधारा जाओ, गणेश गुफा जाओ। अच्छा, ये सब घूम सकते हैं। नीचे योगा देते हो? योगा चल रहा है इधर, योगा डे है तो योगा चल रहा है नीचे। जैसे हम दिखा दे रहे हैं हमको इधर बहुत अच्छी आकृतियाँ बनी है महादेव की, नागाओं की जो आपने देखी है। गाँव की ऊंचाई समुद्र तल से 10,133 फीट है, हाइट फ्रॉम द सी लेवल माना। व्यास गुफा है इधर, जहाँ पे साइट हो जाओ, साइट साइट हो जाते हैं बच्चे को साइट दे देते हैं। गणेश गुफा और वेद व्यास गुफा है इधर, जहाँ पे पुराणों का पुराण लिखे गए थे, जहाँ पे गणपति बप्पा पुराण लिख रहे थे गुफा में बैठ के। वेद व्यास वो वेदों का चयन कर रहे थे, बोल रहे थे, तो वो इधर है, वो भी देखेंगे हम। इधर से दूरी तो अब भी जाएंगे और दिखाएंगे। तो हम आ गए हैं अभी गणेश गुफा पे, गणेश गुफा। यहाँ तो महाभारत और पुराणों की रचना हुई थी गणेश गुफा। इधर गणपति बप्पा वेद लिख रहे थे, और अभी आगे आएगी व्यास गुफा, आगे देखेंगे व्यास गुफा। गांव में क्या आर्ट बनाया है, लग ही नहीं रहा कि इंडिया का विलेज है। ऐसे भी इंडिया का फर्स्ट विलेज है तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हम, ऐसा ही है। तो देखो व्यास नजर आती है, बोलो जुबा केसरी नजर आती है। आंटिया भी खतरनाक है क्या? मैं मौसी मौसी बात बोला, हमको दीदी बोला ऐसा बोल रही है। हमको ऐसा उनको भी बुरा लग जाता है भाई, मौसी बोलो तो बुरा लग जाता है। अब तो दीदी बोलना पड़ेगा। हाँ दीदी बोलना पड़ेगा, दीदी बोलना पड़ेगा, दीदी बोलना कोई सामने दिख जाए तो। ये है इंडिया फर्स्ट टी स्टॉल, भारत की पहली चाय की दुकान। ये देखो इंडिया फर्स्ट टी स्टॉल, भारत की पहली चाय की दुकान। गुफा जहाँ से व्यास जी बोल रहे थे श्लोक, और गणपति बप्पा नीचे, वहाँ पे है गुफा, वहाँ पे
सुन के लिख रहे थे, कैसे वो हमें पता नहीं, इतनी दूर पर भगवान है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। वो नीचे है गुफा, दस गुफा तिसोली के ईस्वी सन 5330 ईयर्स ओल्ड इन 2020, अब 31 हो गए होंगे। दुकान पे पी लो, भारत के प्रथम चाय की दुकान, पहले लास्ट थी अब पहली हो गई है। अभी हम जा रहे हैं भीम पुल देखने के लिए। देखो ऐसे सकड़े रास्ते हैं, बढ़िया जगह है माना गांव, घूमने आना बनता है एक बार। पहाड़ियों के बीच में ऐसी पेंटिंग हो के बीच में पेंटिंगों से बना हुआ पहाड़ से लाके पत्थर, ये पहाड़ से तुम खुद बनाते हैं? घर में बना घर में बने हुए जाते जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, ये रास्ता जा रहा है। ओ जिगर वो देख, वो पहाड़ी वाला रास्ता ऐसे जा रहा है ना, वो स्वर्ग का रास्ता है। क्या बात है। हाँ वहाँ से पांच पांडव स्वर्ग में गए थे, वो रास्ता है। क्या हम भी चलो ना स्वर्ग में जाना है तेरे को। निकल ले। से इस पुल का नाम भीम पुल पड़ गया है। और ये है सरस्वती मैया का मंदिर। अरे फोटो क्लिक करवा लिए इधर, बहुत अच्छा व्यू है। माना गांव में चाइना 60 किलोमीटर होता है, एक भैया ने बोला हमें, क्योंकि हमें नहीं पता क्या बोलता है।